हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया क्लास मॉडिफायर का। तो आज एक नया मॉडिफायर जुड़ने जा रहा है मॉडिफायर लिस्ट में, उसका नाम है पुश मॉडिफायर। यहाँ पे आप जाओगे, पी प्रेस करोगे, उससे पहले आप मान लो कोई भी एक मॉडल सेलेक्ट कर लेते हो। ऐसा कुछ मैं F4 क्लिक कर देता हूँ तो कि लाइन्स दिखे। देन मैं यहाँ पे जाता हूँ और पी प्रेस करता हूँ, ठीक है, मॉडिफायर में। यहाँ पे आपको ये पुश मॉडिफायर आपको दिखेगा। इससे पहले प्रो और इसका मैंने दोनों का प्रो ऑप्टिमाइजर और ऑप्टिमाइजर का हमने बताया था। ऑप्टिमाइजर और प्रो ऑप्टिमाइजर में क्या है, बाकी के ये बीच के कुछ बच्चे हैं उसमें एक दो है जो बताने लायक है, बाकी सब यूजफुल है नहीं, तो बाकी और ऊपर का बताएंगे, पहले बता चुके हैं। आज हम चलते हैं पुश मॉडिफायर पे। बाकी आपको पहले के बाकी मॉडिफायर्स के देखने हैं क्लासेस, तो आप यहाँ पे आई आइकन पे लिंक मिल जाएगा, नीचे से आप चैनल पे जाकर भी विजिट कर सकते हो और वहाँ पे मॉडिफायर लिस्ट देख सकते हो, सारे मॉडिफायर सीख सकते हो। आज चलते हैं पुश मॉडिफायर की तरफ। नॉर्मल सा है, कुछ ज़्यादा इसमें टूल नहीं है, सिंगल एक टूल है, बट मुझे लगा एक अलग क्लास होना चाहिए, हालांकि बहुत कहीं कहीं यूज होता है, बट चलिए जानना जरूरी है तो हम बता देते हैं। ये है आपका पुश मॉडिफायर। ऐसा कुछ ये पुश मॉडिफायर, इससे आपसे ये सिंगल है, इससे आप टूल एक तरह से इसके अंदर आप हवा भर रहे हो, ऐसा कुछ देखिए। ये अपने आप ही एक शेप लेता चला जाएगा, ऐसा कुछ देखिए। आप तो बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हो, काफ़ी हेल्प ले सकते हो, देख रहे हो ऐसा कुछ अपना मॉडिफायर। इसको आप माइनस में भी ले जा सकते हो, देखो ऐसा कुछ आप माइनस में दे रहा, ऐसा कुछ माइनस में ले जा सकते हो, ठीक है, माइनस में भी ले जा सकते हो, प्लस में ले जाना है मैं प्लस में ले जाऊंगा, और एडिट करूंगा, साबुन का टिक्की बना दूंगा, इसे ब्रिक बना दूंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं बना सकता हूँ, ठीक है। और पिलो वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें बन सकता है, आपको गेस हो गया हो। तो ये है, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। अब इसी में मान लो मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से कट कर लूँगा, हटा लेता हूँ, और यहाँ पे हम एडिट पॉली और चलते हैं इसमें। मान लो ये बीच का या कोई और कुछ इतना सा मुझे इस पे कुछ काम करना है, देन यहाँ पे पेस्ट। अब देखो इसको, ये देखिए अब देख सकते हो इसमें, और भी चीज़ें आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसको एक छोटा ट्यूट करके काफ़ी कुछ हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिंगल एक। ये देखिए हथौड़ा बनाना है, इधर वाले को थोड़ा और खींचो, हथौड़ा बना देंगे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। मुझे चाहिए नहीं सिर्फ बीच का कुछ, बीच में का कुछ हमें वो करना है, इस पर जाएंगे, ठीक है, इतना सा हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए। एंड देन मुझे सिर्फ बीच में इस इन वर्टेक्स पे काम करना है, तो ये देखिए, ये देखिए जो डंबल वगैरह होता है ऐसा कुछ आप बना सकते हो। स्मूथ अगर हम डाल देंगे इस पर, टर्बो स्मूथ, कोई भी स्मूथ, आपको तो पता होगा अगर कि टर्बो स्मूथ मेरा फेवरेट है, यहाँ से चाहिए, ये देखिए टर्बो स्मूथ, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, थोड़ा पतला कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको हटाते हैं, तो ये है, इसको हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऊपर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। इसी तरह से मान लो एक कैरेक्टर है मेरा, ऐसा कुछ मैंने एक मॉडल बना रखा है, इस मॉडल पे मुझे थोड़ा सा इसे बल्की दिखाना है पूरे मॉडल को, ठीक है, मैं यहाँ से इस पुश मॉडिफायर को इस पे डाल दूंगा। अच्छा अभी ये माइनस में चला गया है, कोई नहीं, क्योंकि पहले से मैं कर रखा था इसको। ऐसा कुछ आप राइट क्लिक करोगे ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। अब ये देखिए, ये एक कैरेक्टर है, इसे थोड़ा सा किसी सीन में, ठीक है, कोई एक शॉट आप मूवी बना रहे हो उसमें थोड़ा आपको बल्की दिखाना है, सब कुछ आपने एनिमेशन कर लिया, थोड़ा आप चाहते हो कि थोड़ा बल्की दिखाना है कैरेक्टर का, है कि थोड़ा बल्की दिखना है। अब आप पूरा स्केल कैसे करोगे, मतलब हर एक चीज स्केल करने से नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा नॉर्मली स्केल करूँ तो ये इसका ये बल्की नहीं हो पाएगा, छोटा बड़ा होगा बट वो कैरेक्टर वैसे का वैसे रहेगा, समझ रहे हो, कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं आएगा। बट अब हम और मुझे सिंगल क्लिक में इसे बल्की दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे हाथों पर देखो, मैं थोड़ा उंगली पर ले जाऊँ तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। कैरेक्टर पे यहाँ पे देखिए बल्कि दिखाना है मुझे, देखिए थोड़ा सा हो गया, थोड़ा कैरेक्टर ज़्यादा खा लिया है, बल्कि हो गया, ठीक है। बाकी पूरे पोर्शन पे इसने फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पड़ा है। अब देखोगे यहाँ पे भी ये बल्कि हो रुखा है, अगर मैं इसे जीरो करूँ, देखो कानों पे आप ध्यान दोगे, देख रहे हो ये बल्कि हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से सिंगल क्लिक में देखो मैंने क्या कर दिया, देखो सिंगल क्लिक में मैंने कैरेक्टर को अपना थोड़ा बल्की बना दिया, ठीक है। थोड़ा दुबला बनाना है, चलो माइनस देखते हैं, माइनस करके थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, देखिए थोड़ा बहुत, थोड़ा मतलब, हालांकि ये देखिए जहाँ तक
जहां मेश एक दूसरे के ऊपर ना जाए। अब यहां तक तो सही है, अब जहां जहां ये ब्लैक हो गया यहां पे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप, फेस को ठीक करना पड़ेगा, लेकिन हर जगह नहीं करना पड़ेगा। मैंने थोड़ा दुबला कर दिया, अब देखो आप ध्यान से, दो पैरों को देखो, पैरों को देखो, अब जहां जहां फेस टकरा रहा है एक दूसरे के बाहर निकल रहा है वहां वहां वो ब्लैक ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही कर दिया। अगर मैं यहां से ध्यान से करूं, अगर मैं यहां से करूं, देखिए बस इतना सा करूं पतला, ये देखिए इतना सा, तो सिर्फ इतना सा ही नाखून मुझे ठीक करना पड़ेगा। कानों पे भी बहुत कम अब काम करना पड़ेगा, आंखों पे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप दुबला कर सकते हो, बल्कि कर सकते हो, ठीक है, दुबला पतला कर सकते हो पूरे कैरेक्टर को। अच्छा, पूरे कैरेक्टर पे मान लो आपको काम नहीं करना है, ठीक है, आपके किसी सीन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी कैरेक्टर है आपका ये, चलो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ एडिट पॉली ले लेते हैं, और आपके कैरेक्टर में के को कुछ हो गया है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, हाथों में प्रॉब्लम आ गया, समझ रहे हो, इतने से हाथ में प्रॉब्लम है, ठीक है, सिर्फ इतना सा पार्ट दिखाना। अच्छा, सिलेक्शन मैंने गलत ले लिया, ऐसे नहीं, अगर हमें फ्रंट से तरीके से सिलेक्शन लेना है हमें, ठीक है, या आप इससे यहाँ से लो फेस के थ्रू, देखिए ऐसा कुछ, ठीक है, आपको अच्छे से सेलेक्ट करना है, देखिए देख रहे हो अच्छे से, ताकि देख ऐसा कुछ तरीके से सेलेक्ट करना है। अब मुझे सिर्फ इतने से पार्ट को पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, कैरेक्टर का, और वहां पे मुझे ये दिखाना है, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे पुश मॉडिफायर, और अब मुझे सिर्फ इस पे काम करना है, यहाँ पे दिखाना है कि ये थोड़ा बल्की हो गया है, ठीक है, फूल गया है, किसी कीड़े ने काट लिया है, एक्सीडेंट हो गया है, या टूटा फूटा से दिखाना है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखाना है। देखिए ये मैंने कर दिया अचानक, यहाँ से इतना पार्ट आपका बल्की हो गया, ठीक है, और जरूरी नहीं कि यहीं पे, किसी भी पार्ट में आप कर सकते हो। मान लो यही चीज है, मैं थोड़ी देर के लिए इसे चलिए कट कर लेता हूँ और हटा लेता हूँ, ये आपको सिर्फ ये जो इनको इनका जो ड्रेसअप है टॉप वाला उस पर आपको करना है। तो चलिए ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाऊँगा पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट मैंने कर दिया। अब ये जो काम करेगा, देखिए देखो जीरो मैंने कर दिया, आप देख सकते हो, अब जो ये काम करेगा, ये पेट निकल गया एकदम, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही पेट निकाल गया, थोड़ा सा वो हो गया, बाकी थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन ये देखिए पिचका भी दिया मैंने ऐसा कुछ, ये अंदर चला गया बिल्कुल, देख रहे हो, ये देखो कैसा हो गया। तो ये सब चीज़ें, ये तो थोड़ा ज़्यादा मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको बस बताने के पर्पज़ से, बाकी या जैसे मान लो आपको दिखाना है बल्कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ दिखाओगे, बाद में आपको थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ इनके वर्टेक्स को इनको थोड़ा सा एडिट टॉप की तरफ से करना पड़ेगा, ताकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वो ना लगे। बस तो इस तरह से आप काम कर सकते हो, इस तरह से स्पोर्ट्स पुश मॉडिफायर का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये है असल यूज, ठीक है, पुश मॉडिफायर का। बस आप हल्का सा इसको मैंने अगर कर दिया, ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है आपको चीजें जो बताया मैंने, अच्छा लगा क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप नए हैं, पहले से कर रखे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप नए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ से मैं चाहूँ टर्बोस हमेशा जो है अपडेट मिलता रहे, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इस पुश मॉडिफायर का, काफ़ी जगहों पे यूज हो जाता है, हमेशा नहीं होता है, बट नॉलेज होना ज़रूरी है, तो इसकी जानकारी रखिए, और कहीं कहीं पे आपको काफ़ी हेल्प कर जाएगा पुश मॉडिफायर, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, थोड़ा सा आप ट्रिक आजमाएंगे, कहीं कहीं जब आप काम कर रहे होगे अचानक आपको लगेगा अच्छा यहाँ पे मैं पुश मॉडिफायर का यूज कर सकता हूँ सिर्फ स्केल या बाकी। अच्छा, इसका ये प्रॉफिट ये भी होता है कि आपने यूज कर लिया, अब अगले सीन में मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, लीजिए मैंने यहाँ से ये हटा दिया, समझ रहे हो, या हटाना नहीं है मुझे, रखना है कि कहीं और भी जरूरत पड़ सकता है, तो इसे मैंने वैल्यू को बस राइट क्लिक से जीरो कर दिया, लीजिए जीरो कर दिया, फिर जरूरत होगा तो मैं अप्लाई कर दूंगा वो वैल्यू। तो ये चीज़ है, डिलीट भी कर सकते हो, तो ये चीज़ है, ऐसा कुछ आप इस तरह से पुश मॉडिफायर का आप यूज करो जितना जहां भी ज़रूरत हो, ठीक है। अच्छा लगा क्लास लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए, बिंदास कमेंट कीजिए, आपको अब रिप्लाई किया जाएगा,
एंड लाइव क्लास में जुड़िए संडे के संडे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।